पिंक की तरफ जाता है, और इसे लाइट भी कर सकते हैं और डार्क भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रेड की उसमें आ जाता है फॉर्म में, लेकिन रेड ऐसा प्रॉपर रेड नहीं, बहुत स्मूथ सा सॉफ्ट सा कलर है। यह अच्छा। कनपट्टी है ना, देखिए हमेशा कनपट्टी से स्टार्ट, डार्केस्ट जितना कलर होगा वो हाँ डार्क साइड पैच, ये देखिए ब्लैक की तरफ हो गया। देखिए हमें यास्मीन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पेनलेस टीवी, और मैं मौजूद हूँ स्टेपन पार्लर में। रजा तो आपको नज़र आ रही है, जी हाँ हमेशा की तरह आज भी रजा एक अच्छी सी चीज़ आप लोगों को बताएंगी, और बहुत लोगों के सवालात होते हैं वही जवाब जो है वो आज हम लेंगे रजा से। पहले मिल लेते हैं और फिर बातें करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रजा, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं जिसमें ब्लश ऑन भी मुझे नज़र आ रहा है, कंटोरिंग भी नज़र आ रही है, तो आज कुछ कंटोरिंग और ब्लश ऑन के हवाले से बताएंगी। बिल्कुल, आज मैंने यही सोचा, मैंने कहा इतना मेक ओवर्स वगैरह किए हैं, लेकिन मेन जो वही प्रॉब्लम है कि कंटोर कैसे करना चाहिए, ब्लश कैसे लगाया जाता है, और दूसरी बात ये कि कुछ कलर्स कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपस में मर्ज किए जाते हैं, आज हम उसके हवाले से बात करेंगे। सही, बिल्कुल। तो चलें, आप लोगों के ये सवालात थे कि भाई ब्लश ऑन जो है, क्योंकि ब्लश ऑन में भी मैंने देखा है मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, एक तो होता नहीं है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप समझिए कि बिल्कुल करीब करीब के कई रंग होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि जैसे एक ये किट है, काफ़ी यूज़ हो गई है मेरी किट, बहुत अच्छी स्टेज लाइन की, और मैं इसको बहुत पर्सनली पसंद भी करती हूँ इसमें, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी है। देखें शगुफ्ता, इसमें शेड जो है ना, मतलब पिंक भी है, ब्राउन भी है, डार्क भी है, कंटूरिंग में भी यूज़ होते हैं और वैसे भी यूज़ होते हैं। और ख़ास तौर पे जो ये एक सन गोल्ड सा बहुत प्यारा सा कलर है, ये मैं हाईलाइट्स में अमूमन देती हूँ, तो इससे बहुत ब्राइट लुक आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ब्लश ऑन जो है वो मेन प्रॉब्लम है, और लोगों को ब्लश ऑन लगाना नहीं आता। अच्छे से अच्छे मैंने ब्राइड्स बनी हुई देखी, मेकओवर्स देखे, लेकिन एक तो वो शेप से नहीं लगे लगाया जाता, और दूसरी बात यह है कि उसको एक सिर्फ लगाने का ही मकसद नहीं होता, थोड़ा सा उसको फ्रेश लुक भी देने का मकसद होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक जो मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी है वो ये कि कंटूर या तो इतना ज़्यादा कर देते हैं कि फेस, अच्छा खासा फेस होता है वो डार्क हो जाता है, डार्क हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि पहले आप कंटूर करें, डार्क से करें, डार्क उसके बाद जो है ना, और इतना ज़्यादा ना करें। देखिए अब मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा रही हूँ ये कितना डार्क कलर है, ऑलमोस्ट ये ऐसा कॉफ़ी कलर है, और ये क्रिस्टिन का बहुत अच्छा कॉफ़ी कलर है। ख़ासतौर पे ये कंटूरिंग के लिए दिया गया, लेकिन उन फेसेस के लिए जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉट है या बहुत ज़्यादा नोस मोटी है, उस तरह के कंटूरिंग के लिए ये बेस्ट है। ये जहाँ लग जाता है वहाँ समझे गाल पिचक जाते हैं। और ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, और जब से ये यानी वजूद में आया, जब से क्रिस्टन वालों ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, मैं इसको बहुत शौक से इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि आपने देखिए, अगर मैंने, अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं इस ब्रश से कभी भी नहीं लगाती, अगर मैं इसको कभी लगाती भी हूँ तो बहुत मामूली सा आप कंट्रोल करेंगे इसको। फ़र्ज़ कीजिए मैंने ये लिया, और शुगुफ्ता इसको जैसे मैंने हल्का सा इसको बस टच दिया, देखिए मैं ये इस बात बहुत आपको ऐसे बात बता रही हूँ जो नॉर्मली ये नहीं समझ में आती। अब इतना ज़्यादा कंटूर अगर हम बहुत ज़्यादा अगर उसको लगा देते हैं, तो आप ये देखिए कि ये एक बहुत ज़्यादा डार्क सा पैच बनेगा, हाँ डार्क सा एक पैच, ये देखिए ब्लैक की तरफ हो गया। लेकिन हमें इस तरह नहीं लगाना होता, हमें एक हल्की सा जो है आपने लाइन देनी है, और उसको ब्लेंडिंग करनी है। अब ब्लेंडिंग के लिए आप अलग से ब्रश लें और उसको ब्लेंड करें। मैंने ये लगाया, देखें उसके बाद मैं कोई भी कलर लूँगी इसी के करीब करीब का। फ़र्ज़ कीजिए जैसे ये कंटूरिंग, ये भी किट है, और ये कंटूरिंग किट का आप ये देखें, ये कंटूर किट है, इसमें से मैंने ब्लश लिया और मैं इसी के ऊपर जो है इसको मर्ज करूँगी। देखिए फिर ये मर्ज हो जाता है। अच्छा, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं इसी पर्पज़ के लिए कि कंटूरिंग के लिए, इसे हम नोस की भी कंटूरिंग में इस्तेमाल करते हैं, हम जो गाल हैं उन गालों की कंटूरिंग के लिए भी करते हैं, अपनी लोअर पोर्शन के लिए भी करते हैं। लाजिब है बहुत ज़्यादा चिक्स पे हैवी चिक्स होते हैं, तो उसकी कंट्रोल करने के लिए जो है वो हम यही दो किट्स हैं जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, लिक्विड में भी होते हैं।
लिक्विड में भी होता लिक्विड में भी होता है। अच्छा, ये जो आपने भी एक दिखाया था ना डार्क वाला इसको तो मैं भी बड़ा संभल के यूज करती हूँ, क्योंकि ये मुझसे कंट्रोल नहीं होता, ये आउट हो जाता है तो मैं ये थोड़ा डार्क कर देते हैं ना, क्योंकि मोस्टली देखिए अब मैंने लगाया ना तो ये ब्लेंडिंग में आ गया। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको और भी बड़ा खूबसूरती से दूसरे कलर से भी मर्ज कर सकती हूँ, मतलब ये लाइट पे चला जाएगा, ये देखिए ये खूबसूरत होता चला जाएगा। लेकिन मेन चीज़ होती है कि मेन चीज़ आपको इसका इस्तेमाल जो है आपको बहुत परफेक्शन चाहिए और इस तरह आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये बहुत ईजीली है, इसको आप बहुत इजी वे में यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने जैसे ये, क्योंकि ये बहुत मीडियम कलर होता है, कंटूर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और आप यकीन कीजिए ये वाला जो इसका पैलेट है ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट हर पार्लर में मौजूद होगा। हाँ। क्योंकि ये कलर्स हर जगह किसी भी कॉस्मेटिक में आपको मिलेगा नहीं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं, जो इजी भी बहुत फील होता है। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने आपको ये दिखाया, इसी तरह देखें कलर, अब ये ब्लश के कलर्स देखिए, इसमें बिल्कुल नज़दीक नज़दीक के कलर हैं, इसमें देखिए जी ये बिल्कुल सॉफ्ट पीच कलर है, ठीक है, ये थोड़ा सा पिंक की तरफ जाता है, और इसे लाइट भी कर सकते हैं और डार्क भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रेड की उसमें आ जाता है फॉर्म में, लेकिन रेड ऐसा प्रॉपर रेड नहीं, बहुत स्मूथ सा सॉफ्ट सा कलर है जो ब्राइड्स वगैरह की टचिंग के लिए दिया जाता है। तो उसमें हमें ब्लश ऑन की बहुत जो है इस तरह की नीड होती है कि जब हम कंटूर कर लेते हैं, देखिए मैंने कंटूर किया और कंटूर करने के बाद मैं अब इसी कलर से इसको उठाऊँगी, ये मैंने थोड़ा थोड़ा मिक्स करके उठाया इसको, और अपने इसी कंटूर जो मैं आपको दिखा रही थी इसी को मैं ब्लेंड कर दूंगी। ये देखिए, अब वो मेरा जो एक कंटूर का जो पोर्शन था वो ऑलमोस्ट जो है वो दब गया अंदर, और जो ये ब्लशिंग जो है आपकी वो आपकी नुमाया आ गई, लेकिन ये ऑलरेडी आपका कंटूर हो गया है। कि जब आप पूरा राउंड में अगर आप कंटूर करते हैं, या फिर आप कोई समझ लीजिए किसी भी शेप में, अगर फ़र्ज़ कीजिए हम सम टाइम, मुझे कंटूर इस तरह भी करना पड़ता है, कभी ये होता है कि स्क्वायर शेप है, बहुत सारे लोअर जो आपकी चिन है या कुछ लोअर पोर्शन है वो बहुत हैवी है, तो आप जब भी कंटूर करेंगे तो वहाँ पे इतना लाइट से नहीं जाएंगे, आप डार्क से जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर ब्लेंडिंग करेंगे हल्की सी इस तरह के, ताकि पता ना चले, मर्ज हो जाए। ख़ासतौर पे शूट्स के वक्त जब हम शूट्स करते हैं उसमें भी हमें ये प्रॉब्लम होता है, तो उसमें आप जितना भी डार्क कर लें उसके ऊपर हल्का हल्का थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर दें तो वो हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप भाई फेस किसी का चेहरा देख रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, अगर मैं इस तरह का डार्क करके चली जाऊँगी, अक्सर आपने देखा होगा डार्क डार्क लाइंस बना लेते हैं चेहरे पे, नाक पे भी और चीक्स पे भी, वो प्रोमिनेंट होती है, उसको ब्लेंड करना पड़ता है। फिर आपको कैसे ब्लेंड करना होगा, उसको इसी तरह देख ब्लेंड करना होता है कि उसको पहले आप हल्का हल्का पहले लाइटर पे जाएंगे ब्राउन कलर पे, फिर उसके बाद कोई भी शेड देना पिंक पे चले जाएं। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा जो ब्राइड्स पे और मेकओवर्स पे अमूमन चिक्स पिंक पे बहुत चले जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो एक फ्रेश सा लुक देता है आपको, ब्राइड पे भी बहुत फ्रेशनेस आती है, क्योंकि ये कलर से थोड़ा ब्लेंडिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन लास्ट में जो है अगर आप इसको पिंक शेड को, अच्छा ये बहुत अच्छा आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाता है, आपको ये केक में भी मिल जाता है, इसमें आसानी क्या होती है, आपने ब्रश से कोई भी आपने फ़र्ज़ कीजिए, लेकिन हमेशा याद रखें इन सब चीज़ों के लिए ब्रशेज़ अलहदा होने चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने ब्रशेज़ वगैरह एक के बाद दूसरा यूज़ कर लिया तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये पिंक कलर मैं अब देखिए, अब मुझे मज़ीद फ्रेश करना है, तो मैं फ्रेश करने के लिए पिंक कलर को जो है वो थोड़ा सा इसका उभार दूंगी, ताकि ये हाईलाइट के तौर पे यूज़ करूँगी, ताकि आपके चिक्स जो है वो फ्रेश हो जाए। अच्छा, ये वाला पिंक कलर जो थोड़ा सा शिमरी सा भी है, शिमरी सा भी है और बहुत खूबसूरत आता है, मतलब आपका ये है कि इसमें खूबसूरती आती है। इसी के साथ साथ इसी तरह बहुत सारे पिंक कलर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा ये लाइट कलर्स जितने भी होते हैं, अगर मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करूं किसी से पीच कलर से या पिंक कलर के, जिनके गाल बहुत पिचके होते हैं,
आपको मैंने हमारा एक प्रोग्राम भी था तो हमने इसमें बताया था कि जो बहुत ज़्यादा पिचके हुए गाल होते हैं, अब उसमें एक फ्रेश लाजिमत आप मेक ओवर तो कर रहे हैं, अब उसमें भी एक आप बड़ा शेप बना के ब्लश लगा देंगे तो उसमें क्या होगा कि और मज़ीद पतला हो जाएगा, गाल और अंदर चले और जाएंगे। आपको वो गालों के लिए जब आप फैला के, जैसे मैंने अभी फैला के ये लगाया ना, मैं ये बताना यही चाह रही थी जो मैंने बनाई शेप, आप इस तरह फैला के उसमें ब्लश को लगाएं कि आपकी ये पूरा पोर्शन जो है वो भरा हुआ लगे और उनका जो चेहरा जो फर्ज कीजिए लंबा है पतला है तो वो थोड़ा गुलाई की तरफ आ जाता है, करके देखिएगा। अच्छा रिचा यहाँ पे ये बताइएगा, जिस तरह ब्लश ऑन की आपने बात की तो पिंक कलर हम लोग यूजुअली जो निकलते हैं बस पिंक कलर हमने लगाया और वो एक फ्रेशनेस आ जाती है बस भागो, लेकिन जब प्रोफेशनली या वैसे कोई सीख रहा होता है तो रेड कलर भी उसमें हमें नज़र आता है और डिफरेंट जैसे इसमें शेड्स हैं तो पीच के भी लाइट शेड्स भी मौजूद हैं। मैं तो पिंक पे ज़्यादा जाती हूँ एज कम्पेयर टू पीच या फिर रेड, लेकिन रेड देख के ये समझ में नहीं आता कि इसको हम अप्लाई करेंगे तो क्या इससे चेहरा एकदम ये ज़्यादा भर जाएगा कुछ ऐसा है? पता है मेन चीज़ है, सबसे पहले एप्लीकेशन कहाँ से होनी चाहिए। देखिए शगुफ्ता मैं आपके पास हूँ ना, मैं यहाँ से करनी चाहिए, यह कनपट्टी है ना, देखिए हमेशा कनपट्टी से स्टार्ट, डार्केस्ट जितना कलर होगा वो कनपट्टी पे आप ले लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है, मैं यही पिंक कलर से देखें आपको मैं करके दिखाती हूँ, यही दे आपका पिंक कलर है और इसको मैं उभारती हूँ कि आपका ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसकी शेप ऐसे दूँगी जैसे आपके फेस पर जा रही है। अब ये पिंक कलर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको लगाती रहिए, ये देखिए ये पिंक से आपका एक अलग सा लुक आ जाएगा। अभी मैं दोनों पोर्शन आपको दिखाऊंगी। नहीं ये देखिए ना ज़रा पता चलेगा और मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंडिंग के तौर पे हल्का हल्का आपका, क्योंकि फेस ऐसा है कि मुझे आपका फेस को थोड़ा सा अगर स्लिम करना है तो मैं इसको यहीं से इस पोर्शन से स्लिम हो गई जी। अब मैं यहाँ पर फ्रेशनेस के तौर पर ये पिंक कलर दे रही हूँ, ये देखिए, और थोड़ा सा ऐसे कि आपका लुक अच्छा लगे, लेकिन इसके साथ साथ जो है मैं थोड़ा सा आपका कंटूर करूँगी और वो मैं बैक से करूँगी, ये देखिए, ये देखिए नुमाया आपको फ़र्क नज़र आएगा कि इस गाल पे और इस गाल पे। देखिए ये गाल इनकी आप देखिए चिक्स पे एक फ्रेश सा लुक आ रहा है और आपको नज़र भी आ रहा है। इसी तरह हम हमारे पास क्योंकि ब्लश के साथ साथ हम कंटूर के तौर पे जब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये भी, अच्छा यहीं पे मैं कंटूर की थोड़ी सी चीज़ें और भी बताती चलूँ कि जैसे मैंने अभी ये बताया था कि मुझे आपके चेहरे में लोअर पोर्शन में अगर कंटूर करना है तो वो कैसे करना है, ये देखिए जॉ बोन, ये देखिए मैंने इसको मिक्स किया है, दोनों कलर जो डार्क दिखाए थे उसको मिक्स करके मैंने आपकी नेक के साथ इसको मर्ज किया है। मैंने ये नहीं किया कि एक लाइन बना दी या आपको एक वो अलग से प्रोमिनेट होती है, जब आप लाइट्स के सामने जाते हैं तो ये हर चीज़ नुमाया होती है, जो देखने वाला होता है वो समझता है कि पता नहीं इसमें ऐसी क्या चीज़ लगाई है। देखिए इस साइड से आपका लुक, लेकिन आपकी थोड़ा सा पॉइंटेड जो है चिन है तो मैं यहाँ नहीं करूँगी कि और मज़ीद नोक ना निकल जाए, मुझे इसको दबा देना है ताकि इसको मुझे नहीं टच करना, और यहाँ से यहाँ पे मुझे यहाँ से नहीं लेना, मुझे हल्का सा इधर से टच करना है और इस तरह। तो ये आपका चेहरा जो है ऑलरेडी आपकी एक जो चेहरे की शेप है वो बदल जाती है। ये बहुत वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं, सामने मेरे मिरर है मैं तो देख ही रही हूँ, आप भी बहुत वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि ये शेप आया और ये यूँ गया, जबकि इधर अगर आप देखेंगे तो एक स्मूथ सा शेप है, बस एक राउंड सा, एक जो कट्स होते हैं ना वो नहीं, जो आसान लफ्जों में ये बता सकती हूँ कट्स, यहाँ पे आपको कट्स मिल जाएंगे। अगर हम हाईलाइट में अगर कोई चीज़ आपको लगा रहे हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम उसका मैंने ब्रश से अगर मैंने लगाना है तो मैं थोड़ा सा इसमें मर्ज करके देखती हूँ कलर का, मैं इसी शेप में उठाऊँगी इनका चेहरा, मैं इसको फैलाऊंगी इस तरह कि इनका चेहरा वैसे ही स्लिम लगे, और जब मैं इनको इस तरह टचिंग में दूंगी तो ये आप देखिएगा इनका चेहरे में ये नुमाया, ब्लश भी नुमाया हो जाएगा और हाईलाइट भी नुमाया हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें आप देख लें वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं जितना भी आप चाहें, ये मैंने बहुत ऑफ वाइट कलर, बहुत मर्सा है, पल कलर है, बहुत अच्छा लगता है लगाने के बाद,
तो अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद आप लाइट कर लें, डार्क कर लें, तो आपको ये चीज़ नुमाया होती जाएगी। तो डबल शेड है ये, डबल शेड है क्योंकि ब्लश का देखें डबल शेड है, डार्क, लाइट एंड सिल्वर, बल्कि थ्री शेड्स हैं। हाँ आप इसमें देखें थ्री शेड्स हैं जी, पिंक भी है, थोड़ा पर्पल है, थोड़ा सा पल वाइट कलर है। अगर आप इसको, अगर हम फ़र्ज़ कीजिए मैं अब इसको देखें मिक्स करके ले रही हूँ, इसको ले रही हूँ, तो मैं और नुमाया कर सकती हूँ। ये थोड़ा डार्केस्ट कलर है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले आपको लगाया था बहुत सॉफ्ट शिमरी टाइप का, अब मैं आपको थोड़ा सा डार्क कलर दे रही हूँ ताकि और नुमाया हो जाए। आप इस वक्त आपका एक हिस्सा नुमाया होता जाएगा, पर मैं बताऊँ ये लिक्विड में भी है। थोड़ा लिक्विड में भी हम ड्रॉप्स में बताते हैं कि इसको कैसे लगाया जाता है। बिल्कुल एक पॉइंट आपने ले लिया, क्योंकि एक पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है समटाइम। और लेकिन ये कि कभी कभी आपकी तस्वीरों में ये बहुत नुमाया होता है और बहुत ज़्यादा ड्राई फेसेस के लिए बेहतरीन चीज़ है। थोड़ा सा शाइन, ये देखिए शाइन, मतलब अच्छा खासा शाइन करेगा, थोड़ा भी नहीं बहुत अच्छा। जितना आप लगाती जाएंगी ना ये मर्ज हो जाएगा थोड़ी देर के बाद शाइन। तो अक्सर शूट्स में हम लगाते हैं उस वक्त तो बहुत चमक रहा होता है, लेकिन आपको तस्वीरों में नहीं लगेगा। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ हल्का सा लगा देती हूँ। आज हमारा थोड़ा सा, क्योंकि फोकस ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर किसी की समझ में आ जाए तो आपका चेहरा, आपको मेकअप की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको कभी कहीं इमरजेंसी में जाना है तो आप क्या करें। अच्छा रिजा, ये आज आपने बड़ी काम की सारी चीज़ें बताई और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हर खातून को पता होना चाहिए, क्योंकि घर में तो आप सभी मेकअप कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल सही, और क्योंकि हम लोग है ना बहुत इग्नोर करते हैं ये चीज़ें, इग्नोर करते हैं ये चीज़ें बहुत से। अच्छा आपने देखा होगा जितने ट्यूटोरियल चल रहे होते हैं ना, वो तो फटाफट पता नहीं चलता ये किया ये किया, एक ड्रॉप डाला और लगा दिया स्पीड से। मेन चीज़ ये होती है कि आपको हर चीज़ समझ आनी चाहिए, क्योंकि आज का डिजिटल का ज़माना है, आप कोई चीज़ लगा भी रहे हैं तो वो डिजिटल से आपको पता ही नहीं चलती। लेकिन जब आप एक चीज़ प्रोसेस में कर रहे होते हैं तो फिर आपको बहुत ब्लेंडिंग का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप तो फेस टू फेस हैं, आपको जा रहे हैं, आपके पास आपके ऊपर लाइट्स भी हैं ना, तो इसलिए पता है ब्राइड पे बहुत ज़्यादा खसूसी तवज्जो दी जाती है कि उसकी हर चीज़ प्रोमिनेट होती है, फिर उसके पिक्स होते हैं वो सब उसमें भी नज़र आते हैं। समटाइम यही होता है अक्सर कभी चेहरे जो होते हैं उस लिहाज से नहीं आते जैसे आने चाहिए, और इतने खूबसूरत चेहरे होते हैं वो दब जाते हैं। उसकी वजह यही होती है, सिर्फ मेकअप से मुराद नहीं होती कि आपने मेकओवर करना है, आपको इन्हेंस करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। आप जब इन्हेंस होते हैं फीचर्स तो वह खुद ब खुद जाजिब नज़र कहते हैं ना, फिर वो ऐसे बन जाती हैं। तो बहुत कभी कभी हम अनएक्सपेक्टेड सोचते भी नहीं कि ये तैयार होने के बाद ऐसा लगेगा, लेकिन वो वाकई ही मतलब वो बहुत अच्छा बहुत लगता है। अच्छी सी लुक आ जाती है। रिजा थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज दी है, क्योंकि मेरे भी बड़े काम किए ये, और साथ साथ ये कि जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। आप जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप रिजा ने एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बताई है, आप अगर इसको अप्लाई करते हैं घर में तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। रिजा थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। यहाँ पर हम अपना वीडियो एंड कर रहे हैं, जाने से पहले बस आपको ये कहना चाहेंगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।